वही बुरहानपुर जिले में विधायक अर्चना चिटनिस ने दो दिन पहले आए आंधी और तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने किसानों और ग्रामीणों से मुलाकात की और खेतों में जाकर फसलों का निरीक्षण किया। वही निरीक्षण के दौरान विधायक अर्चना चिटनिस ने तूफान प्रभावित क्षेत्रों के खेतों में फसलों का आकलन करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि नुकसान की भरपाई के लिए वह हर संभव मदद करेंगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि सर्वे का काम पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही 50% से अधिक नुकसान होने पर 100% मुआवजा दिया जाएगा। दिल दहलाने वाला नुकसान पिछले 2-3 दिन की आंधी ने अंधड़ ने किया और लगभग कई किसानों की तो फसल कटने को तैयार थी। किसी की 4,000 केली थी, 400 कट चुकी थी और ट्रक वापस जाता भरकर उससे पहले आंधी आ गई। स्थिति ऐसी है कि कई घरों में, गांवों में एक प्रकार से मातम का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई, वह इस पूरी परिस्थिति से बहुत चिंतित हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को भी निर्देश किया है कि कोई भी किसान जिसका नुकसान हुआ हो उसको बराबर क्षतिपूर्ति मिले, इसे जनप्रतिनिधि और प्रशासन सुनिश्चित करे। इस नुकसान का आकलन करना भी कठिन है, शायद करोड़ों रुपए में ये नुकसान की सीमा जाएगी। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि केला लगाने वाला किसान बहुत हिम्मत वाला किसान है।